Hi, I'm Vishal Yadav and you are listening to Female Cricket Podcast. Now, this is a podcast about some of the lesser known and unheard stories from the world of women's cricket. Every week, I'll be joined by female cricketers and bring to you their story, their struggles, and together we shall relive beautiful moments from their journey. This podcast is an initiative by Female Cricket, a platform that aims to promote and publicize women's cricket around the world. So, what are you waiting for? Subscribe to a podcast, plug in those earphones, pour yourself some tea or coffee or whatever you like, and enjoy these beautiful stories. She's accurate with a medium pace, she's elegant with a top order batting, and she's also an excellent fielder. Her match-winning performances at the 2005 World Cup in South Africa propelled India into the final for the very first time. She also holds the record of opening both the batting and bowling in the first ever T20 match for Indian women's team. But it's unfortunate that we haven't got the chance to watch her play when she was in her prime days. Never mind, we have the champion talk about her cricket and the journey on the 9th episode of Female Cricket Podcast. She is Rumeli Dhar. Welcome, Rumeli ma'am. Thank you so much. Great. So my first question, सबसे पहला चीज, lockdown कैसा चल रहा है आपके लिए फिलहाल, आप कहाँ हो इस समय? लॉकडाउन पे मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था बिकॉज मैं उस टाइम पे कैलकटा में थी, बिकॉज मैं लॉकडाउन में अटक गई थी कैलकटा में. ओह अच्छा. सो 3 months मैं वहीं थी, जस्ट 12th को मैं वापस आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने घर पे आके. ओके ओके, सो अभी आप बैक टू दिल्ली? जी. सो अभी आपके फैमिली सब यहीं रहते हैं या फिर कैलकटा में रहता है कोई? मेरे एक्चुअली मॉम डैड के साथ मैं रहती हूँ और मेरे ताया की चाचा जी वगैरह कैलकटा में रहते हैं. ओह इंटरेस्टिंग. ओके ओके. या बट आपका जो इनिशियल डेज था वो कोलकाता में मेजरली था या फिर आप पहले से स्टार्ट से दिल्ली में ही हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे मेजॉरिटी जो है इनिशियल डेज मेरे कोलकाता में थी. तो बॉर्न एंड अप ब्रॉट अप कोलकाता में ही है? जी. ओके ओके ओके. थोड़ा इनिशियल डेज के बारे में बात करते हैं मैम. जब आपने एक्चुअली जब आप काफी छोटे थे, फर्स्ट टाइम आपने कब क्रिकेट को सुना था या कब क्रिकेट समझा था, कौन सा एज था वो? नाउ आई एम 37, सो 36 37, एंड 1996 में मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया, एज ऑफ आई थिंक 12. ओके, जब आप 12 के थे तब आपने एक्चुअल सीजन बॉल से शुरू किया? या 11 12 से मैंने क्रिकेट शुरू किया है. ओके, मैं मेंस के साथ स्टार्ट किया था खेलना 96 में. श्यामनगर में मैं विलेज से हूँ, वहाँ पे कोई गर्ल्स क्रिकेटर नहीं था उस टाइम पे, एंड 100 बॉयज या 80 बॉयज के बीच में एक लड़की उस 1996 में, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. करेक्ट करेक्ट. एंड जो सर थे मेरे, वो मेरे अंकल है एक्चुअली, तो उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट थे क्योंकि एक तो वो डिस्ट्रिक्ट है एंड वहाँ पे एक लड़की आके क्रिकेट खेलना चाह रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेरे सर के लिए भी कि वो कैसे मैनेज करेंगे. बट उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, उन्होंने मेरी वजह से बहुत कुछ सुना भी था, क्रिटिसाइज बहुत किया गया था उनको, बट उन्होंने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था. उनका एक ही मोटिव था कि मुझे रेडी करना है. ओके अमेजिंग. एंड काफी सीनियर बॉयज थे वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, कैलकटा लीग जो होते हैं. हाँ जी. उसके अंदर तो उन वो जो भैया थे सब लोग, उन्होंने काफी हेल्प किया था मुझे उस टाइम पे, और शायद वही रीजन थे कि मैं आज इंडिया खेल पाई थी. ओके ओके. तो इनिशियली जब आपने ये शुरू किया मैम, तो टेनिस बॉल से शुरू किया था या फिर आपको पहले से ही? एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलती थी मेरे ब्रदर्स के साथ कोलकाता में टेनिस बॉल से, बट मैं बैटिंग बॉलिंग मुझे नहीं आता था, आई एम गुड फील्डर दैट टाइम, तो मुझे सिर्फ फील्डिंग के लिए मुझे टीम में रखा जा रहा था. तो उस वहां से मेरा जर्नी है कि मुझे पता था कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है. ओह अच्छा अच्छा. तो आपके कितने सिब्लिंग्स थे मैम? आई एम ओनली चाइल्ड. तो ये जो आप जिनके साथ क्रिकेट खेलती थी, अभी आपने कहा कि भाई, दे आर माय कजिन्स. अच्छा, कजिन्स के साथ? या. ओह अच्छा, मतलब इट्स लुक लाइक दे आर माय ओन ब्रदर. या ओके ओके. तो उनके साथ गली में क्रिकेट, यू इनिशियली यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट विद देम, और फिर वहां से आपके अंकल ने देखा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो
काफी ज्यादा है टुवर्ड्स दिस गेम. या ओके, तो आपके जो अंकल थे उन्होंने खेला था इसके पहले प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था? जी प्रोफेशनल है, मतलब उन्होंने सेकंड डिवीजन खेलते थे. अच्छा. खेले थे उन्होंने कलकत्ता के अंदर. ओके, तो उन्होंने काफी अच्छे प्लेयर्स निकाले हैं. और एक तो एक जो प्लेयर थे उन्होंने बंगाल रणजी खेला हुआ है. ओके, तो उनके वहां से काफी प्लेयर्स आए हैं, बट अभी मेरे अंकल नहीं रहे, लास्ट ईयर ही पास हो गए. ओके ओके, तो यहाँ पे फिर जब आपने क्रिकेट कोचिंग शुरू की तो आप बता रहे हो कि सिर्फ आप एक अकेले लड़की थी वहाँ पे. जी जी जी. तो आपके पेरेंट्स ओके थे इस चीज से? आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा? मेरे मदर को क्रिकेट बहुत पसंद था, बिकॉज रवि शास्त्री उनके सबसे ज्यादा फेवरेट है. ओके, तो मेरे मॉम को बहुत पसंद है. मेरे मम्मी नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पे कुछ भी नहीं था गर्ल्स के लिए कि मैं क्रिकेट खेल पाऊँ. और जब मेरे अंकल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मेरे मॉम डैड को समझाया ये चीज, तो मेरे मॉम राजी हो गए. और मेरे फैमिली में एक्चुअली सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलूँ या कोई भी स्पोर्ट्स में जाऊँ. तो आपके मॉम जैसा बता रहे हो उनको भी क्रिकेट काफी पसंद था, तो बचपन में उन्होंने भी क्रिकेट खेला होगा? नहीं, मैं शी इज एथलेटिक प्लेयर, स्कूल लेवल पर उन्होंने एथलेटिक किया हुआ था. एंड एक्चुअली वही मैं बोल रही हूँ, मेरे पूरे फैमिली में कोई ना कोई सब लोग फुटबॉल में काफी लोग थे. मेरे चाचा जो थे, अंकल है दोनों, उन्होंने तो जॉब ही फुटबॉल की वजह से मिला था. ओ अच्छा अच्छा. या और कोलकाता में इनिशियली फुटबॉल जो है वो काफी काफी पॉपुलर था, ऐसा कह सकते हैं बैक इन 70s 80s? नहीं, अभी भी है ऐसे, अभी भी लोग पागल है. Okay. जब ईस्ट बंगाल मोहनबगान का मैच होता है तो अभी भी लोग पागल होते हैं. ओके ओके, बट एक बार जब वो शायद जब दादा लीड करने लगे, जब उन्होंने क्रिकेट को चेंज ही कर दिया. हाँ, वो चेंज तो आया है ऑब्वियसली कलकत्ता में, बट आज भी लोग फुटबॉल के लिए उतने ही पागल है जो पहले थे. ओके, अब दोनों चीजों के लिए पागल हो चुके हैं कि क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी. तो आपके दिमाग में कभी नहीं था ऐसा कि मैं फुटबॉल भी खेलूं, या आपने कभी फुटबॉल भी नहीं, खेला? नहीं, मुझे इंजरी से बहुत डर लगता है. मैं फुटबॉल खेली हूँ, मेरे को गोलकीपर होना बहुत पसंद था, बट मुझे मेन खेलना बहुत पसंद नहीं था क्योंकि मार लग जाएगा तो फिर मुझे बैठना पड़ जाएगा. मैं एक्चुअली जिम्नास्टिक प्लेयर थी बेसिकली. मैं प्रोफेशनली जो मेरा था वो मेरा जिम्नास्टिक था. एंड वहाँ से मेरा मैंने स्पोर्ट्स को देखा था कि कैसे खेला जाता है एक चीज को एक प्रोफेशनल तरीके से. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. एंड आई सिलेक्टेड फॉर साइड कलकत्ता में, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट कुछ पॉलिटिक्स की वजह से मेरे को निकाल दिया गया. वहाँ से नाम मेरा कट गया था. किसी भी स्पोर्ट्स का होता है, बट वहाँ से माय पेरेंट्स इट्स लाइक के तू ऐसे स्पोर्ट्स में जा जहाँ पे पॉलिटिक्स कम हो, ये हो. मैंने बोला ठीक है. तो वहाँ से मेरे को थोड़े टाइम के लिए मेरे को वॉलीबॉल भी खिलाया गया था. एंड मैंने स्कूल नेशनल्स किए थे वॉलीबॉल में. ओके, एंड जिम्नास्टिक में मैंने जूनियर सब जूनियर स्टेज किया था. क्या तो अच्छा लगता है. तो वहाँ से फिर जब मैंने एक्चुअली वॉलीबॉल को सीरियसली लिया, तब मेरे अंकल ने बोला कि तू क्रिकेट खेलती है, अच्छा है तेरा कोचिंग स्टाइल एंड ऑल, तो तू खेलना चाहेगी. तो आई सेड ओके फाइन, मैं खेलूंगी. देन मेरे मदर को कन्विंस किया गया, बिकॉज 96 में इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव स्टफ क्रिकेट खेलना. तो उस टाइम पे मेरे मॉम ने बोला था कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग. तो उस टाइम पे फिर मैं भी थोड़ा सा सैड हुई थी कि मैं नहीं खेल पाऊंगी. बट मेरे अंकल ने काफी सपोर्ट किया था उस टाइम पे फाइनेंशियली भी, कि मेरे स्टफ वगैरह उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मुझे खरीद के दिया था. एंड प्लस जो मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोफेशनल मेरे साथ खेलते थे उस टाइम पे, बड़े बड़े जो भैया लोग थे, उन्होंने काफी हेल्प किया था मुझे. वो लोग अपने स्टफ देते थे मुझे खेलने के लिए, मुझे यूज करने देते थे. इट्स गुड. ओके, तो तब ऐसा कोई चैलेंज नहीं आता था कि अरे ये जो बैट का साइज है थोड़ा हैवी है आपके लिए? या उस टाइम पे ऐसा था कि जो मिल जाए उसे बस खेलना है. उस टाइम पे बस परफेक्शन होता था, बस हमें खेलना है. अगर क्या बैट लंबा है, क्लब बड़ा है, बैट छोटा है, लंबा है, हैवी है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके ओके, तो आपने जिम्नास्टिक्स किया है, मैम वॉलीबॉल ट्राई किया है, काफी सारे स्पोर्ट्स से आप एसोसिएटेड फुटबॉल भी आपने ट्राई किया है. क्या सोच के आपने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं मुझको क्रिकेट में ही करियर बनाना है,
या ये कब डिसाइड किया आपने कौन से एज में? डिसाइड मेरे को क्रिकेट पसंद था, मुझे क्रिकेट पसंद था, बट कभी मैंने उस चीज के लिए नहीं सोचा जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पता है कि एक लड़की को जींस पहनना अलाउड नहीं है एक कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए, वहाँ पे मैं क्रिकेट सोचू कैसे। तो वहाँ पे फिर मेरे को जब अंकल ने सपोर्ट किया तब मुझे लगा नहीं अब मेरा शायद हो सकता है, तो तब मैंने उस चीज को सीरियसली लिया। मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैंने उस टाइम पे सोच लिया कि मैं इंडिया खेलूंगी, हाँ उस टाइम पे मेरा एक फोकस था कि मुझे स्टेट खेलना है, लीग मैचेस होते थे उस टाइम पे, कैलकटा लीग होते थे गर्ल्स के, वो खेलना है। एंड उसके बाद मुझे फील हुआ कि मुझे स्टेट परफॉर्म करना है, स्टेट के लिए खेलना है, तो वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। तो आपका ये साइड बाय साइड एजुकेशन भी चल रहा था, स्कूलिंग चल रही थी, तो डिफिकल्ट होता था, बट मेरे फैमिली ने काफी सपोर्ट किया था, इसलिए उस टाइम पे मैंने अपने स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। मैंने उस टाइम पे स्कूलिंग छोड़ दी थी जो मैंने बाद में मैंने पूरा किया है। तो मतलब टाइमिंग क्लैश होते थे कि वहाँ पे टाइमिंग वगैरह हर चीज क्लैश होते थे, जिस टाइम पे मतलब स्कूल जाने का टाइम होता था उस टाइम पे मेरा ग्राउंड जाने का टाइम था, तो मेरे को एक चीज चूज करनी थी। मेरे पेरेंट्स ने इवन मेरी पूरी फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया था, तो उसके बाद मैंने उस टाइम पे स्कूलिंग छोड़ दी थी, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट माय डन माय स्कूलिंग एंड ऑल एवरीथिंग। ओके ओके, तो आपके लिए जो ग्राउंड था जहाँ पे आपके अंकल कोचिंग देते थे वो आपके पास ही था, नजदीक था घर के कि दूर था? वॉकिंग डिस्टेंस था 10 मिनट्स का। ओ अच्छा अच्छा, जो झूलन मैम की स्टोरी जिनको काफी टाइम उनका इसी में वेस्ट हो जाता था ट्रैवलिंग में, तो लकीली आपके लिए मैंने बाद में मैंने जब स्टार्टिंग था मेरा वो था मेरा वहाँ पे 1 या 1.5 ईयर के लिए, और उसके बाद मैंने प्रॉपर कैलकटा जाना शुरू किया था, जो मेरे लिए भी उतना ही था, 1.5 hours 2 hours प्रॉपर कैलकटा जाने के लिए। मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे, बट वहाँ पे कोई गर्ल्स टीम नहीं था, तो मेरे को कैलकटा में मेरे सर थे एंड मेरे और एक सर थे पोदित मित्र सर, वो काफी फेमस थे कैलकटा के अंदर, उन्होंने मुझे हेल्प किया था कि तू वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकती हूँ। उन्होंने फिर कोल्लन मित्र जो थे उनका नंबर दिया था एंड उनसे जाके कॉन्टेक्ट करने के लिए बोला था, तब मैंने उनके क्लब ज्वाइन किया था। और ये जो क्लब था ये कहाँ पे था? कोलकाता में, चार्लेट में। ओ अच्छा, ओके ओके, तो यहाँ पे आपने मैम कितने साल प्रैक्टिस किया जब बिफोर आपका एक्चुअल कोलकाता के लिए? मैंने वहाँ पे मतलब कोलकाता के पहले मैंने 1-1.5 साल प्रैक्टिस किया है। कोलकाता में जो प्रैक्टिस था वो सैटरडे संडे होती थी, बाकी जो 5 डेज थे वो मैं अपने ग्राउंड पे करती थी शाम में करता। ओ अच्छा, ओके, मैंने स्टार्ट किया था जो 97 का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, वो मैं देखने गई थी, फर्स्ट टाइम मैंने उसका कोई इंटरनेशनल मैच देखा था और काफी क्राउड था। या क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा लगा था देखते के हाँ गर्ल्स और इंटरनेशनल भी, तब फील हुआ था कि नहीं इंडिया खेलना कितना जरूरी है, एक लोगो होना कितना जरूरी होता है। ओके ओके, तब तक आपको ये इंडियन प्लेयर्स का कुछ नाम था, कुछ पता था आपको? कुछ भी पता नहीं था उस टाइम पे। मैं फर्स्ट टाइम मिली थी पूर्णिमा चौधरी से। अच्छा, एंड शी इज वेरी गुड ऑलराउंडर एंड वेरी गुड फील्डर शी इज, ओके, पूर्णिमा चौधरी, तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी इवन। और फिर वहां से फिर आपका ये जो आपने डिसाइड किया था कि अरे इंडिया के लिए खेलना है, तो वो और फॉर्म हो गया होगा वो डिसीजन की। या एक्चुअली 2000 में जो वर्ल्ड कप था, 2000 वर्ल्ड कप के टाइम पे मैंने कैंप किया है, 99 से जो कैंप हुए थे 2000 वर्ल्ड कप के लिए चंडीगढ़ के अंदर, वो कैंप मैंने अटेंड किया है, जो प्रोबेबल्स का कैंप होता है। या प्रोबेबल्स के कैंप में आई वाज देयर एंड मैंने वो कैंप किया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज दैट टाइम सब बिग नेम्स लाइक अंजुम चोपड़ा, अंजू जैन, पूर्णिमा राव, हेमलता काला, मिथाली राज, एवरीवन देयर। ओके ओके, मस्ट हैव बीन वेरी स्पेशल फॉर यू। या मतलब सारे बहुत सीनियर थे उस टाइम पे, सुधा शाही कोच, अच्छा लग रहा था इतने सीनियर के बीच में प्रैक्टिस करना, इतने सीनियर के बीच में रहना, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना, बहुत अच्छा लग रहा था। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इसके पहले आते हैं ये आपका 99 में आप ये प्रोबेबल्स के पार्ट थे,
इसके पहले थोड़ा आपके डोमेस्टिक जर्नी के बारे में बात करते हैं। कौन से ईयर में आपने डोमेस्टिक के लिए डेब्यू किया था मैम? आई थिंक 97 98 आई थिंक इन जूनियर मैंने खेले थे डायरेक्ट वेस्ट बंगाल के लिए। या वेस्ट बंगाल के लिए देन सीनियर खेले और वहां से मेरा मतलब जो जोन होता था उस टाइम पे रानी हम से टूर्नामेंट जोन होते थे करेक्ट उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं स्टैंड बाई में थी। देन किसी हमारी बंगाल से किसी जूनियर प्लेयर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था देन उनकी जगह पे मैं गई थी तो वहाँ पे फिर मैंने इस जोन से मैंने परफॉर्म किया था एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया का मतलब जहाँ पे मैंने सोचा था कि ओके इस साल नहीं होगा नेक्स्ट ईयर आगे फिर से मुझे ट्राई करना है नेशनल्स खेलूंगी फिर परफॉर्म करके देन जोन के लिए बट वो 99 में हैपन हुआ था के बाद आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंडिया कैंप। ओके 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 तो और आप खेलते थे ईस्ट जोन के लिए? ईस्ट जोन के लिए तब एयर इंडिया एंड इंडियन रेलवे पार्टिसिपेट करता था। तो जब आपने शुरू किया था तब आप इनिशियली एज अ बैटर आपने टीम में रोल किया था एज अ बोलर किया था फील्डिंग तो आपकी काफी पहले से ही स्ट्रांग थी। इनिशियली मैंने एज अ बोलर मैं आई थी और काइंड ऑफ पिंच हिटर काइंड ऑफ मैं खेलती थी बट जब मैंने 2000 में एयर इंडिया ज्वाइन किया अब उसके बाद जो तीन साल मेरी जर्नी थी विद एयर इंडिया तब मेरे को एक्चुअल में ऑलराउंडर बनाया गया वहां पे सबने हेल्प किया था इसका पूर्णिमा राव अंजू जैन अंजुम चोपड़ा एवरीवन सबने हेल्प किया था कि मेरे को हर जगह पे बैटिंग करवाया गया था टॉप टू लोअर ऑर्डर एवरीवेयर एक आदत होनी चाहिए प्लेयर की कि कहां सब जगह बैटिंग कर पाए एक ऑलराउंडर का जो रोल होना चाहिए कहीं पे भी वो जाए उसको स्कोर करना आना चाहिए उसको स्टे करना आना चाहिए विकेट पे। अच्छा एंड बॉलिंग के साथ साथ मतलब मुझे बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया गया था कि जो बहुत अच्छा बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे साथ के साथ उसका फील्डिंग भी अच्छा रहे। करेक्ट तो आई थिंक वो तीन साल मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चेंज था। ओके अमेजिंग और ऑफ कोर्स मेरा मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ मतलब जो एक प्लेयर का होता है लाइफ वहां से मेरा चेंज हुआ था वहां से हर चीज सीखने को मिला था कि कैसे चलना है कैसे तरीके से बात की जाती है हर चीज सिखाई गई थी हमें। ओ अच्छा, अच्छा। तो मैं तीन साल ही थी एयर इंडिया में तो वहाँ पे मैंने ये चीजें सीखी है डिसिप्लिन किसे कहते हैं हर चीज सबने मिलके एक कहते हैं ना हर सबका साथ होता है तो टीम जीतता है तो इट्स लाइक सबका साथ था इसलिए मैं बनी और मेरा बनने के पीछे जो मेरे कोचेस के हाथ थे ऑब्वियसली जो जामनगर में तिलकुल सर थे उदित सर थे कोलन सर थे बट उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफ एक तरीके से चलना तरीका हर चीज का कैसे खेलना है हर चीज शायद मुझे इंडिया में जाके वो तीन साल मेरे लाइफ के लाइफ चेंज हुआ। ग्रेट ग्रेट और आप एक लास्ट कब आपने एयर इंडिया क्या पार्ट से कौन सा ईयर था ये 2003 उसके बाद मैंने इंडिया फर्स्ट टाइम खेला था 2003 में हाँ जी बिल्कुल उसके बाद मैंने वापस आके मेरा रेलवे ज्वाइन कर लिया था मैंने नॉर्दर्न रेलवे। ओके ओके आपके ये डेब्यू मैच से थोड़ा पहले की बात करते हैं कि आपको कैसे पता चला था आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप जो है अब इंडिया से रिप्रेजेंट करने वाले हो सिलेक्शन जो नाम आता है वहाँ पे पता चला था देन उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ 2003 में बट आई वाज हैप्पी एक्चुअली दैट टाइम। ओके जैसे आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आ जाता है या बीसीसीआई के वेबसाइट पे आ जाता है क्या होता था कैंप होता था और उसी कैंप के अंदर ही नाम बताया दिया जाता था। ओके अच्छा वही अनाउंस कर दिया जाता था हाथों हाथ अनाउंस होते थे तो बहुत ज्यादा टेंशन वाला होता था। ओके तो आपको वहीं पे जब पता चला ये ऐसा है फैमिली का क्या रिएक्शन था आपका तो मतलब बहुत खुश थे स्पेशली मेरे मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थे बिकॉज उनका ड्रीम था जब मैंने खेलना शुरू किया उसके बाद उनका ड्रीम था कि मैं ब्लू कलर पहनूं। ओके और वो जो कैप है ब्लू कलर का उसमें जो लोगो है वो सर पे हो वो खुशी आई थिंक बोल के भी नहीं बताया जा सकता वो उस टाइम पे फील होता है। राइट राइट राइट
और आपको कैसा लगा जब आपने फर्स्ट टाइम वो जर्सी पहनी या जर्सी को देखा आपने आपके नाम के साथ? बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे, समझ नहीं आता कि कौन सा नंबर क्या होता है, जस्ट मुझे नंबर से ज्यादा मुझे जर्सी नेम दिख रहा था कि रुमेली लिखा हुआ है, तो इट्स अमेजिंग, वो जर्सी आज तक मेरे पास रखी हुई है। ओह वाह वाह, आपका कुछ ऐसा स्पेशल नंबर था, कुछ आप सुपरस्टिशन जैसे फॉलो करते थे? उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था कोई स्पेशल नंबर, बट यस उसके बाद जब मैं ड्रॉप हुई 2 साल के लिए, देन 2005 में मैंने कमबैक किया इन वर्ल्ड कप, 2005 वर्ल्ड कप, करेक्ट करेक्ट, तब शुभो मैम ने मुझे कॉल किया था जर्सी के लिए, एंड शिवांगी कुलकर्णी ने कॉल किया था जर्सी नंबर के लिए, तो मुझे मैंने बोला मैम मुझे 9 चाहिए बिकॉज माई पास डेट ऑफ बर्थ इज 9, ओके, तो उन्होंने बोला कि वो किसी के पास है तो तुम कुछ और देखो, मैंने बोला मैम फिर आप ही दे दो, तो आई एम लाइक दैट आप ही दे दो मुझे, मैं तो उन्होंने फिर पता नहीं कुछ सोच के एकदम से उन्होंने बोला कि 45 या 54, तो मैम मैंने बोला मैम 45, कहते कि दोनों में देख 9 है, तो मैंने फिर बोला कि ओके मैम 54, तो मुझे 54 बड़ा अच्छा सा लगा, तो उसके बाद से इन दैट 2005 से माई 54 इज माई वेरी लकी नंबर, बट यस लेटर ऑन मैंने चेंज भी किए थे वो नंबर, बट मुझे ये लगता है कि जब जब मैंने 54 उसके बाद लिया है या मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जब जब मेरे बैक से 54 नंबर आया है तो मेरे लिए वो चीज लकी रही है। ओके ओके, तो ये चेंज भी क्यों किया आपने फिर मैम जब ये लकी था तो? कुछ होता है ना कि कुछ पंडित ने बता दिया, कुछ उन्होंने बता दिया कि तेरे लिए ये साल ये नंबर के साथ ये रहेगा वो रहेगा, तो मैंने चेंज किया, ऐसा नहीं था कि मेरा एक 8 नंबर लेने पे मेरा ऐसा नहीं था कि मेरा अच्छा नहीं गया था, इन 2008 वो साल मेरा 8 नंबर लेके मैंने काफी अच्छा किया था एशिया कप एंड ऑल पे, बट मुझे जो लगता है मुझे आज फील भी होता है और कभी कभी मुझे इस चीज का रिग्रेट भी रहता है कि मैंने क्यों चेंज किया था दैट 54 नंबर, तो बट अब मेरा ऐसा है कि जब भी मेरे को नंबर अगर चूज है, अगर मुझे नंबर चॉइस करना है तो मैं 54 जरूर लेती हूँ, एंड मेरे स्टफ में अगर मुझे नाम लिखना है उससे बेटर है कि मैं 54 लिख के रखती हूँ फॉर मेरे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। ओके ओके ओके, 54 मेरे लिए ऐसा है अब मेरे लिए 54 ऐसा है कि इट्स मी, मुझे ये फील होता है। बहुत ही क्लोजली रिलेट कर पाते हैं ना क्रिकेटर्स कुछ नंबर्स है या कुछ कुछ स्पेसिफिक, दिस इज द रीजन मैं अपने पैड्स एंड इसमें मैं 54 जरूर लिखती हूं। ओके ग्रेट ग्रेट, आते हैं आपके सबसे पहले मैच के लिए, आपका सबसे पहला इंटरनेशनल टूर भी था ये, आप न्यूजीलैंड गए थे राइट? या 2003 आपका ओडीआई डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड, क्या था फीलिंग, नर्वस थे एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा नर्वस थी एंड जिस ग्राउंड के मैचेस थे कॉलेज के वो बहुत ही विंडी ग्राउंड था एंड ओपन ग्राउंड था जिसकी वजह से बहुत विंड था, मतलब वहाँ पे बॉल डालने जाओ तो आप दूसरे साइड से जा रहे थे हवा की वजह से, ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम, बट और एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम वो ब्लू किट पहन के ग्राउंड पे उतरना प्लस कैप, तो बहुत अच्छा फील भी होता है, बहुत टेंशन भी था कि फर्स्ट मैच है कुछ उल्टा सीधा हुआ तो नेक्स्ट मैच से बाहर बैठ जाना है, तो आई थिंक मेरा पहला मैच मेरा हमेशा के लिए, मतलब ये कहते हैं ना मेमोरी, वो मेमोरी है, बॉलिंग जितने ओवर डाले थे मैंने 4-5 जो भी ओवर डाले थे मैंने उस टाइम पे इतना मुझे याद नहीं है, अच्छा था इकोनॉमी काफी अच्छी थी एंड मेरा विनिंग शॉट मैंने मारा था उस मैच में 4 रन, एक रन या 2 रन चाहिए थे मैंने 4 मार के वो विनिंग शॉट था मेरा, नॉट आउट आई थी, तो आई थिंक वो चीज कभी आई थिंक भूल नहीं सकती है, आई एम सो हैप्पी दैट डे, मतलब उससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता ना, आप पहले डेब्यू मैच में आप विनिंग शॉट मार रहे हो, एक्चुअली तो बहुत बहुत खुशी हुई थी, इट्स गुड, मतलब एंजॉय किया था उस चीज को आज तक इसलिए याद है। और बॉलिंग में भी मैम 6 ओवर डाल के आपने खाली 10 रन दिए थे वो टाइम पे, ओके, और ऑफ कोर्स एक काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग भी था, 1.6 की इकोनॉमी से आपने डाला था और 6 ओवर में आपके 3 मेडन थे, तो आई एम श्योर अच्छा ओडीआई डेब्यू
मजा तो आया था वो अब समझ आता है कि मुझे मजा आया था, बट उस दिन मुझे टेंशन इतना था कि बस मैं बॉल डालू, छह बॉले मेरी खत्म हुए. मतलब मेरे को मेरा जो मेरे लिए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कोचेस का, वो सीनियर प्लेयर सब ने, कैप्टन सबका जो एक एक्सपेक्टेशन था मेरे लिए, तो वो चीजें ऐसा लग रहा था कि मैं डाल के मैं बस कॉन्सेंट्रेट करूँ कि मैं जगह पे बॉल डालू बस. बाकी मेरे फील्डर मेरे साथ है, मुझे बस चप्पे पे बॉल डालना है. मैंने बस उस दिन इतना ही सोचा था, आज रियलाइज करती हूँ ओके इतना अच्छा बॉलिंग फिगर था. 2003 या 2004 की बात कह लो या प्री बीसीसीआई कह लो, जो पीरियड था जहाँ पे काफी कम स्टाफ होता था, काफी कम सपोर्ट स्टाफ होता था आप लोग के साथ. उस दिन जब मैं मिताली मैम से ये बात कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने भी बताया कि कई कई बार हमारे पास बॉलिंग कोचेज या जो फिजियो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो नहीं होते थे टूर्स पर. तो हम जो प्लेयर्स हैं, हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते थे, हम एक दूसरे को ट्रीट करते थे. फास्ट बॉलर्स के लिए तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा एग्जर्ट करना पड़ता है आपको, बॉलिंग तो डालनी होती है प्लस फील्डिंग करना रहता है इतना लंबे आर्क तक. तो आप कैसे मैनेज किए थे वो टाइम पे, क्योंकि काफी एक थकान तो लगती है फॉर श्योर, बट मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ता है. आई थिंक मिथाली ने जो बोला है वो सही बोला है. हमारे बीच में सबसे अच्छी चीज थी उस टाइम पे, जैसे बॉलिंग कोच ना होना या फिजियोस नहीं होना, ट्रेनर्स नहीं होना, बट एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का साथ इतना ज्यादा था कि हमें इतना फर्क नहीं लगता था. इतना हमें लगता नहीं था हम थक गए हैं. हम एंजॉय बहुत ज्यादा करते थे कि हमें पता नहीं चलता कि इंजरी फील भी होती थी नहीं हुई है, बट इतना ज्यादा यंग थे उस टाइम पे, तो उतना हमें फर्क नहीं पड़ता था. हम बस एंजॉय करते थे, अच्छा फॉरेन में आए, इंडिया के लिए खेलने आए, बाहर आए इंडिया से, तो बस अपना कुछ दे के खेलो. वो उस एक्साइटमेंट और उन चीजों के वजह से आई थिंक हम भूल जाते थे कि इंजरीज भी है या कुछ भी है. और प्लस प्लेयर्स एक दूसरे को, हम जैसे किसी को मसाज चाहिए तो एक दूसरे को कर देते थे कि चल यार तुझे तुझे मैं कर दूंगी, तू मुझे कर दे. इस बेस पे हमारे शर्त चलते थे. अच्छा नहीं तो ये ऐसा होता था कि अच्छा तू दो ओवर ज्यादा मुझे बॉल डाल देगी तो मैं तुझे मसाज करके दूंगी, इस तरीके से. अच्छा लगता था. तो ये डील होता था कि यार तू दो ओवर एक्स्ट्रा डाल दे तो या तो मुझे नॉकिंग थोड़ा सा करवा दे 15 मिनट तो तुझे मैं मसाज दे दूंगी, इट्स गुड. अच्छा लगता था, किसी का छिल जाता था या कुछ भी होता था तो हम एक दूसरे की पट्टियां कर रहे होते थे, तो अब ये वो अलग ही एक्सपीरियंस था. और वो मेमोरीज बहुत स्पेशल होंगी ऑफ कोर्स. ऑब्वियसली आज भी जब साथ चल बैठते हैं, मिथाली हो गए या झूलन हो गए, किसी के साथ भी बैठे तो वो पुरानी बातें जब बाहर आते हैं तो अच्छा लगता है, उनके खुशी होती है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कोई ऐसी मेमोरी है मैम आपकी इस पर्टिकुलर टूर से? एक बार हम घूमने गए थे तो फर्स्ट टाइम बाहर जाके बोट से जाना एंड समुन्द्र पे रहना और डॉल्फिन वगैरह देखना, तो काफी अच्छा फीलिंग था. और काफी सीनियर्स थे वहाँ पे और उन लोगों ने काफी हेल्प करते थे, स्पेशली उस टाइम पे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत हो गई तो उस टाइम पे उन्होंने काफी हेल्प किया है, तो वो चीजें अच्छा लगता है. आई थिंक वही जो सीनियर्स ने हमारे लिए किया था, उससे हमारे जो जूनियर्स आए थे वही चीज हमने देने की कोशिश की हमारे जूनियर्स को, कि हम अपने जूनियर्स के लिए अच्छा करें. ग्रेट ग्रेट. आपका ये टूर हुआ, आपका ये ओडीआई डेब्यू हुआ, इसके बाद फिर आपको पता था कि नेक्स्ट ईयर जो है वर्ल्ड कप में मेरे को कट बनाना है, कुछ अलग स्पेशल प्रिपरेशन? 2003 के बाद मेरा जब टीम, दो साल मैं टीम में नहीं थी, बट टॉलरेबल्स में मैं थी दो साल. मैंने कैंप्स वगैरह सब कुछ किए थे, फिटनेस कैंप काफी अच्छे हुए थे उस टाइम पे, काफी अच्छे फिटनेस कैंप थे वहाँ पे. मतलब नो क्रिकेट, इट्स जस्ट अ फिटनेस वन मंथ के लिए चेन्नई में. ओके. तो ऐसे दो बार कैंप लगा है जिसमें हमारा क्रिकेट स्टफ लेके जाना अलाउड नहीं था, जस्ट फॉर ओनली फिटनेस एंड फिटनेस, दोनों टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो वो बहुत ही अच्छा था. हम मतलब अब इतना एग्जॉस्ट होते थे कि एक दूसरे से बात करने का टाइम मतलब मन नहीं करता था. तो वो जब हम वर्ल्ड कप में जाना था, उसके पहले हमारे मैचेस थे डोमेस्टिक के, फाइनल था इंडिया वर्सेस रेलवे का और मैं रेलवे से खेल रही थी उस टाइम पे. तो
बहुत टेंशन था कि वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होना है, वर्ल्ड कप का सिलेक्शन का जो नाम अनाउंसमेंट होना है वो फाइनल वाला दिन ही होना था। ओके ओके, तो काफी टेंशन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, माय चांस के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होना। तो बहुत परफॉर्मेंस एंड में जब मेरा परफॉर्मेंस आया बाहर निकल के, तभी भी टेंशन था क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मेरे साथ और भी दो तीन लड़कियां थी जो मीडियम पेसर ऑलराउंडर, मीडियम पेसर थे बट ऑलराउंडर मैं नहीं थी। ओके, तो कम्पीट हो रहा था कि कौन जाएगा। ओके, तो जब 12-13 नंबर पे मेरा नाम अनाउंस किया गया, आई थिंक मैं उस टाइम पे चेयर पे बैठे बैठे गिर जाऊँ ऐसा कुछ। तो और वहाँ उस टाइम पे क्या होता था कि जो स्टेज बना था जिसमें फाइनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वहाँ पे हम लोगों को जाके खड़ा होना था टीम को, वर्ल्ड कप टीम को, कि ये वर्ल्ड कप टीम है। समझा समझा। फाइनल वाले दिन वहाँ पे फिर वॉक करके जाके स्टेज पे खड़े होना है सबके साथ, मिथाली, अंजुम दी, अंजू जैन, हेमलता का आनी टू दो, इनके साथ जाके वो स्टेज शेयर करना था मुझे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप टीम। तो काफी प्राउड फील हो रहा था उस टाइम पे, बट कोई वर्ड नहीं था उस टाइम पे, मैं क्या बोलूं क्या ना करूं, खुशी किस कैसे दिखाऊं। देन उसके बाद जब मैंने मॉम को कॉल किया सब कुछ के बाद, माय मॉम लाइक वो रो पड़े थे वो। ये जो टूर्नामेंट हुआ था मैम, ये जो फाइनल मैच की आप बात करो, रेलवे वर्सेस एयर इंडिया, इसमें कुछ याद है आपने कितने विकेट लिए थे, कितना रन था ऐसा कुछ? 4 विकेट लिए थे मैंने। डे मैचेस होते थे वो, फाइनल 3 डे का था, 90-90 and 45-45। तो उसमें मेरे को 4 विकेट मिले थे एंड वो भी लास्ट के उसके आज में, लास्ट के आज में। तो इट्स वेरी, बहुत अच्छा फीलिंग था। नीतू डेविस थे जिन्होंने मुझे बॉल बना बना के दिए थे रिवर स्विंग के लिए, तो बट ये परफॉर्मेंस के बाद भी आपके मन में था ऐसा कि अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, या फिर कुछ डाउट था? नहीं, मेरे को बिल्कुल पूरा डाउट था मेरे खुद से कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा कुछ। ओके ओके, फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ये वर्ल्ड कप के लिए आपका पहला वर्ल्ड कप और आपको जाना है इस बार साउथ अफ्रीका। ओके, स्टार्ट से कुछ मेमोरीज है यहाँ पे कि इनिशियल जो फ्यू मैचेस थे, पहला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट था, इसके बाद हम लोग आयरलैंड के अगेंस्ट खेले, इसके बाद साउथ अफ्रीका। तो इनिशियल टाइम पे मेरी बैटिंग नहीं आई थी, बट साउथ अफ्रीका मैच में जब मेरी बैटिंग आई, 86 या 87 बनाया था साउथ अफ्रीका ने, एंड हमारे बहुत जल्दी विकेट डाउन हो गए थे। ओके, तो वहां पे मेरा 30+ समथिंग कुछ स्कोर नॉट आउट था, 33 नॉट आउट। या तो आई थिंक वो बहुत क्रुशियल मैच था उस दिन, मुझे लगा कि मैंने आज कुछ करना है, मुझे आज अब मेरी बैटिंग आई है तो मुझे कुछ करना है इंडिया के लिए। एंड मेरा पार्टनरशिप हुआ उसके बाद अमिता शर्मा के साथ, एंड हमने वो मैच जीता, वहां से मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर आने लगा कि यस, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए मैं अच्छा कर सकती हूँ। ओके ओके, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा एंड मैच बाय मैच मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर ही गया था। अमेजिंग, बॉलिंग में भी एंड बैटिंग में भी। एक एक बहुत ही क्रूशियल मैच था जो आप लोग का सेमीफाइनल्स था, जहाँ पे एक मस्ट विन मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यस, क्योंकि हमारा जब से वर्ल्ड कप टीम सिलेक्ट हुआ था फ्रॉम इंडिया में, जब हम थे सब लोग कैंप्स में गए पहुंचे थे, उस दिन से सबका मतलब कैप्टन से लेके सपोर्ट स्टाफ तक सबका एक ही मोटिव था कि हमें फाइनल खेलना है वर्ल्ड कप में जाके, हमें फाइनल खेलना है। तो आई थिंक वो जो पॉजिटिविटी थी ना सबके माइंड में, किसी के माइंड में कोई नेगेटिव बात थी नहीं, किसी के लिए कोई बोलता नहीं था अच्छा तुमने गलत शॉट खेल दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ना वाला या क्यों किया वाला कोई वर्ड ही नहीं था, बस तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड एवरी टाइम सबने, चाहे हमने एक किसी सीनियर को बोला हो या सीनियर ने तो हमें शरारत से बोला है, जो भी जैसे भी बोला, बट पॉजिटिव बोला है।
तो आई थिंक वो जो माइंड सेट हुआ था हमारा सबका कि हमें फाइनल खेलना है, हमें फाइनल खेलना है, जो एक वर्ड सबके अंदर था ना, आई थिंक वो चीज हमें एक एक शेप करके आगे लेके गया था वर्ल्ड कप में. एंड दैट सेमीफाइनल इट्स वेरी क्रूशियल. दिस इज द रीजन आप अगर पूरा वर्ल्ड कप का देखोगे, किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने बैटिंग सुरोच नहीं किया, परफॉर्मेंस सबका परफॉर्मेंस है. किसी दो ने, किसी टीम ने, किसी चार ने किया, नेक्स्ट ने किसी चार ने किया, ऐसे करके हर मैच में सबका परफॉर्मेंस है. तो जो सेमीफाइनल मैच था उसमें मिथाली ने बहुत अच्छा 90 का एक स्कोर बहुत अच्छा खेला था खड़े होके, और उसके बाद जो बॉलिंग यूनिट हमारी थी, हमने सबने हमने बोलिंग डिसिप्लिन बोलिंग एंड फील्डिंग टॉप क्लास फील्डिंग हमने किया था. और शायद जो हमने पीछे चेन्नई में रह के जो एक एक महीने का कैंप किया था फिटनेस का, और जो हमारे ऊपर काम किया गया था, जो फिटनेस हमारे ऊपर हमने किए थे, हमारे ऊपर प्रेशर देके हमारे ऊपर वर्क किया गया था फिटनेस के लिए, तो आई थिंक वो सारी चीजें हमारे फर्क पड़ा था. वो वर्ल्ड कप के जितने मैचेस हम खेलते गए उससे हमें दिखा था कि हम कितना फिट है, हम कम्पीट कर सकते हैं बाहर की टीम को. अमेजिंग. तो वो जो एफर्ट्स थे वहाँ पे वो फाइनली काम आए एक इस क्रूशियल मैच में. और यहाँ पे ऑफ कोर्स 91 मिताली मैम ने मारा था, जो सबको पता है क्योंकि काफी स्पेशल नॉक था वो. बट ऑल्सो क्रेडिट्स टू ऑल द बोलर्स, जैसा आप अभी बता रहे हो कि 204 इंडिया ने रन स्कोर किया था, और ये शायद न्यूजीलैंड चेज भी कर लेती अगर बॉलिंग और फील्डिंग प्रॉपर नहीं होती, राइट? क्योंकि 204 इतना बड़ा कोई टोटल नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, बट जब हमने बॉलिंग स्टार्ट की और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलता गया और बॉलर्स ने फील्डर्स ने सबने एफर्ट दिया, बट 200% एफर्ट सबके साइड से आया, तो वहां से हर चीज हमारे लिए खुलता गया, एक एक स्टेप खुलता गया कि यस अब हम बहुत करीब है जीत के. एक बार लगा कि हम हार गए, बट उसके बाद भी हमने होप जो एक होता है ना, जी, एक अंदर आया कि हम हार गए, तो ये होप छोड़ सके, बट हमने होप किसी ने नहीं छोड़ा था. शायद दिस इज द रीजन कभी भी कोई भी सिचुएशन आया वर्ल्ड कप के अंदर हमने होप नहीं छोड़ी. ऐसी किसी भी तरीके से हम किसी ने भी होप नहीं छोड़ा था. और शायद दिस इज द रीजन 2005 में फर्स्ट टाइम वी आर इन द फाइनल. करेक्ट. बट उस दिन रात को क्या दिमाग में था, कितने एक्साइटमेंट थी यार, अब हम जो है फर्स्ट टाइम फाइनल खेलने वाले हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. काफी एक्साइटमेंट था, काफी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, बिकॉज फर्स्ट टाइम. और मेरे लिए तो इतनी था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रही हूँ, एंड वो ही फर्स्ट टाइम मैं फाइनल खेलने के लिए मैं ग्राउंड पे जाऊंगी नेक्स्ट डे. और हर चीज चेंज था, मतलब ज्यादा हमारे पे फोकस किया जा रहा था, कॉल्स आ रहे थे, तो काफी एक्साइटमेंट था उस टाइम पे. और जब ग्राउंड पे जाके पहुंचे थे और नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए थे, वो जो फीलिंग थी, आई थिंक वो फीलिंग चाहे मैं फाइनल खेलूं या फर्स्ट मैच खेली मैं अपने लाइफ का इंडिया के लिए, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. वो एक्साइटमेंट कभी फीका नहीं पड़ सकता. Oh, wow. वो कोई भी मैच के पहले अगर जो नेशनल एंथम के लिए हम खड़े होते हैं, तो वो फीलिंग चाहे मुझे फाइनल दे दो या कोई भी फर्स्ट मैच दे दो, वो फीलिंग सेम रहती है. वाओ वाओ. यहाँ से फिर आप लोग फाइनल खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो ये अपने हमारे फेवर में नहीं था ये मैच, बट फिर भी विमेंस क्रिकेट ऑब्वियसली विमेंस क्रिकेट को आप लोग ने एक अलग लेवल पे लेके गए थे. वो दिन था जिस दिन सब वही डे कैप्टन से लेके सपोर्ट स्टाफ तक सब रोए थे. फाइनल जब हम हारे थे सब लोग रोए थे, बिकॉज उस टाइम पे कुछ प्लेयर्स हमारे रिटायरमेंट भी लेने वाले थे, कुछ सीनियर प्लेयर्स, उसके वजह से भी. एंड और जो था कि हम फाइनल हार गए, जो हमारी उम्मीद थी कि हमें फाइनल पहुंचे, तो हम कोशिश और ज्यादा कर सकते थे कि हम फाइनल जीत भी सकते थे. तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस दिन मुझे लगता था, मैंने खुद देखा, मैं खुद रोई, तो सब रोए थे उसे. वो एक दुख है कि हम फाइनल पहुंच के भी कुछ कर नहीं पाए थे. आई थिंक जो प्रेशर होता है क्राउड के बीच में, फर्स्ट टाइम हमने इतना क्राउड भी देखा था, तो वो क्राउड शायद हम खुद ही नहीं हैंडल पाए कि एक्साइटमेंट से हम जो चीज हमें करना था वो शायद उस दिन नहीं हो पाया या कर नहीं पाया था. Although, match तो हम नहीं जीते मैम, बट
आई एम श्योर वुमेन्स क्रिकेट जीत गया था ओवरऑल. इंडिया में आप लोगों ने ऑलरेडी मतलब बता दिया था कि ये जो लड़कियां हैं वो भी क्रिकेट खेलती हैं और वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल सकती हैं. 2005 के बाद ही उसके बाद 2006 में ही बीसीसीआई ने टेक ओवर किया था क्रिकेट को. करेक्ट. और वहीं से जो भी आज हम देख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस मर्जर के बाद से हुई हैं, और वो मर्जर होने का प्राइमरी रीजन यही था कि आप लोग फाइनल पहुंचे थे. आप लोगों ने प्रूव किया था कि नहीं, हम भी बेस्ट ऑफ बेस्ट से कम्पीट कर सकते हैं. क्या चेंज आया, एक एक अगर मुझको समराइज करने, अगर मैं बोलूँ आपको कि वुमेन्स क्रिकेट बिफोर बीसीसीआई, वुमेन्स क्रिकेट आफ्टर बीसीसीआई, क्या चेंज आया था आफ्टर द मर्जर? मर्जर के बाद देखिए, जितने भी वुमेन्स क्रिकेटर है जब से पहले थे, सब वेल फैमिली से कोई भी इतना नहीं थे. हाँ. उनके रेलवे या इंडिया में जॉब कर रहे थे उनको छोड़ के. आई थिंक बीसीसीआई आने से फाइनेंशियली काफी हेल्प हुआ है जिनको. okay. जरूरत था उस टाइम पे. और आज भी है. बहुत लड़कियां हैं जिनको जॉब नहीं है, बहुत दूर दूर फैमिली से आते हैं जिनको मैंने कैलकाटा के अंदर देखा है 3-4 आवर्स जो लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं. आई थिंक वो चीजें, उन चीजों पे लड़कियों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है. एंड बीसीसीआई आने से हमारे स्पॉन्सर्स काफी आए हैं. Correct. और स्पॉन्सर्स आए हैं, फिर मीडिया आई है. और मीडिया आके जो कवर करके पेपर्स में, न्यूज में, हर जगह दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट और फेमस हुआ. तो ये चेंजेस काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो लड़कियां एक बार सोचती थी कि मैं खेलूं या ना खेलूं, वो लोग स्टेप 4 कदम आगे बढ़ा के बोल रहे कि हमें खेलना है. करेक्ट. तो ये चेंजेस बहुत जरूरी था वुमेन्स क्रिकेट के लिए. 2006 में ये मर्जर हुआ मैम, और उसी साल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच हुआ था, जो सबसे पहला T20 मैच था इंडिया वुमेन्स के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड. पहला ही जो T20 मैच था जो इंडिया खेल रही है, और उसमें आपने प्लेयर ऑफ द मैच आप बने थे. इस नॉक के बारे में थोड़ा बताइए. आपने 66 रन स्कोर किए थे 69 बॉल्स में, और इंडिया को जीत दिलाई थी उसके पहले ही इंटरनेशनल T20 मैच में. आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ मैं स्केल करूंगी, कभी ऐसा होगा? नहीं, T20 तो फॉर्मेट ही हमें पता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं था, ना किसी को इतना पता था T20 के बारे में. बट जब हमें पता चला तो हम उस तरीके से तैयारी शुरू किए, बट फिर भी हमारे लिए तो बिल्कुल ही नया था. करेक्ट. और जब मुझे पता चला कि मुझे ओपन करना है सडनली, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था. मैं नंबर 5 बैटिंग करती हूँ, आप मुझे ओपन करना है, तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग था. बट जहाँ पे चैलेंज होता है तो अच्छा लगता है, वो चैलेंज प्रूव करो खुद को. और आई थिंक मैं जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया है और आज तक मैं खुद को प्रूव ही करती आ रही हूँ कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं इतने अच्छी हूँ या मैं क्या हूँ. तो इट्स गुड मेरे लिए. अब तो ऐसा हो गया कि ओके, मुझे चैलेंज दे रहे हो, ग्रेट, आई विल डू दैट. अब मुझे रिग्रेट नहीं होता या मेरे को मतलब गुस्सा नहीं आता. अब मुझे लगता है ओके, मुझे चैलेंज दिया, ओके फाइन, आई विल डू इट. तो अब मेरे लिए अंदर वो बैठ गया था, मुझे चैलेंज दो. अब मैं चैलेंज दो तो तभी करूंगी. तो इट्स लाइक वो भैया मेरे लिए चैलेंजिंग था, एंड मुझे प्रूव भी करना था कि मुझे ओपन का चांस मिला है, वो भी इंग्लैंड के अंदर डे लाइट में. तो मुझे प्रूव करना है कि मैं कर सकती हूँ. तो काफी टेंशन था, बट वो टेंशन मैंने आने नहीं दिया था खुद के अंदर, हावी नहीं होने दिया था. अच्छा. और शायद उसके वजह से जो मिथाली एंड हेमादी वगैरह सब लोग थे, उन्होंने काफी हेल्प किया. तो वहां से एजेंट सुलक्षण नायक जो मेरे साथ ओपन करने आई थी, वो हमेशा से ओपन करती आई है. तो उसने मुझे बोला कि रूमी तो टेंशन मत ले. और वो उसकी बातें ऐसी होती है कि रूमी तो टेंशन मत ले, तू बस बिंदास खेल. मैंने बोला ठीक है. तो शायद वो चीजें बहुत अच्छा लगा. एंड वो चीजें मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे कर सकती हूँ एंड मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ उस मैच को, एंड उस दिन मैं बॉल बाय बॉल खेल सकती हूँ. और इसके पहले तक आपने कभी ओपन नहीं किया था? नहीं. और फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हो, और उस दिन आपने शायद बॉलिंग में भी ओपन किया था और बैटिंग में भी ओपन किया था. या ओके. यही साल 2006 काफी रीजंस के लिए स्पेशल था, और आपने शायद आपका ये जो लास्ट टेस्ट मैच है वो भी खेला.
और सेकंड टेस्ट जीते थे और इसी इंग्लैंड के दौरान मैंने ओडीआई के अंदर लॉर्ड्स के अंदर मैंने ओपनिंग बैटिंग भी की है एंड बॉलिंग भी की है सब अच्छा था गुड फीलिंग एक्चुअली मेरा ड्रीम था लॉर्ड्स और मेरे को बेस्ट ग्राउंड भी लॉर्ड्स लगता है तो वहाँ पे वो भी उस दिन मैच होना और वहाँ पे मेरे को ओपन करना करने को मिलना एंड बॉलिंग ओपन मिलना तो इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता एक्साइटमेंट बट ये लास्ट टेस्ट था क्योंकि इसके बाद जो इंडिया ने टेस्ट खेला वो 8 साल बाद खेला तब आप टीम इंडिया के पार्ट नहीं थे टेस्ट के बट ये आपका एक लास्ट टेस्ट है मुझको ये बताइए कि टेस्ट मैचेस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वुमेन्स क्रिकेट के जर्नी में एक्चुअली टेस्ट मैचेस होने ही चाहिए जैसे हमारे डोमेस्टिक में पहले बंद कर दिए गए हैं बट मुझे लगता है कि लड़कियों के पेशेंस या टेक्निक हर चीज को देखा जाए रन बनाने का जो ईगर होता है वो चीज के लिए आई थिंक टाइम स्पेंड करना विकेट के अंदर इन चीजों के लिए आई थिंक टेस्ट मैच होना बहुत जरूरी है बहुत मायने रखता है क्रिकेटर के लिए राइट सो 2006 में ये आपका टेस्ट मैच हुआ मैम इसके बाद 2009 में वर्ल्ड कप हुआ जिसमें इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसमें आपका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था 2012 वापस एक टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में आपके जर्नी में जब आपको एक वो इंजरी हो जाती है ये आपको शायद शोल्डर की इंजरी हुई थी शोल्डर इंजरी हुआ था मुझे एंड या पेनफुल था वो क्योंकि टीम से ड्रॉप होना उस टाइम पे इंजरी की वजह से एंड उसके बाद 6 साल आई एम लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड एंड छूट गया था कि क्रिकेट खेलना है ऐसा नहीं था कि मैं डोमेस्टिक खेल नहीं रही थी मैं खेल रही थी बट एक अंदर से होता है कि परफॉर्म करना है एंड ऑल क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसको मैं चाह के भी छोड़ नहीं सकती तो उस चीज पे मेरे को काफी हद तक मैं डिप्रेशन पे जा चुकी थी एंड चिड़चिड़ापन जो बोलते हैं जिसके वजह से मैं परफॉर्म करना जिसको बोलते हैं वो चीजें मैं खुल के नहीं कर पाती थी क्योंकि एक मोटिव कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा था इट्स एवरीथिंग इज ब्लैंक आई थिंक उसके बाद जब मैंने 4 साल बाद 5 साल बाद जब मैंने दिल्ली से खेला दिल्ली से खेलते टाइम मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे जब मुझे सबने जितने प्लेयर्स से ऑफिशियल्स से सबने मुझे एक सपोर्ट दिया और वह उस साल मैंने दिल्ली से काफी अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से मैंने इंडिया कम बैक किया लास्ट 6 ईयर्स के बाद तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ है उस टाइम में दिल्ली से खेलना और दिल्ली के प्लेयर्स का सपोर्ट मिलना एंड परफॉर्म करना एक मोटिवेशन लाना कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो ये चीजें बहुत अच्छी थी जैसा बता रहे हो कि डिप्रेशन हो जाता है या कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो इस जो ये जो फेज है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं मैं उस 6 साल में शायद हैंडल नहीं कर पाया अगर कर पाती तो शायद मैं बहुत जल्दी कमबैक कर काफी हद तक मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं क्रिकेट छोड़ने का मेरा डिसीजन हो चुका था किसी हद तक बट कहीं ना कहीं मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं उन्होंने मुझे काफी हद तक सपोर्ट किया था जिसकी वजह से मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे लगता है मेरा ना छोड़ने का डिसीजन उस टाइम पे काफी सही था एंड उसके वजह से मुझे काफी फायदा हुआ एंड मैंने परफॉर्म किया दिल्ली से एंड उसके बाद मैं इस साल बंगाल से खेल रही हूँ अमेजिंग आपका ये जो 6 साल के ड्यूरेशन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फेज रहा है आपके जर्नी में मैम दिल्ली ज्वाइन करने से पहले भी आपने पहले राजस्थान के लिए खेला अच्छा, 2 साल राजस्थान खेला है 2 साल तो यहाँ पे जो टीम्स है वो तो काफी नई टीम्स होती है काफी यंगस्टर्स होते हैं राइट या मैं इसमें बोलूंगी कि वहां पे जाने के बाद मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने जो जितना क्रिकेट खेला है वो चीजें उनके साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड उनको सिखाने में उनको बताने में कैसे क्रिकेट है किस तरीके से आपको रहना है हर चीज बहुत अच्छा था इट्स गुड फीलिंग अमेजिंग तो आपने कितने साल राजस्थान के लिए खेला वहाँ पे 2 साल और फिर आसाम भी 2 साल ही खेला है मैंने और फिर वहाँ से आप दिल्ली शिफ्ट हुए
दिल्ली, मैं दिल्ली से खेली मैंने। जब ये जब आप ये परफॉर्म कर रहे थे, जब आप एक के बाद एक मैचेस खेल रहे थे, कितना ज्यादा आप मिस कर रहे थे टीम इंडिया को और वापस से कमबैक के लिए? मैं आज ही मिस करती हूँ। मैं रोज सुबह उठ के मैं टीम इंडिया को मिस करती हूँ। फिर उसके बाद से जब आपको ये पता चला कि नो एक जूलन मैम इंजरी हुई है और उसके बाद फिर आपको ये कॉल आता है, राइट? थोड़ा इस टूर के बारे में बताइए, साउथ अफ्रीका टूर के। आप ऑलमोस्ट 6 साल के बाद वापस से इंडिया टीम में आ रहे थे और आपने जिस ग्राउंड में लास्ट वर्ल्ड कप खेला था फाइनल, अब उसी ग्राउंड में आप वापस से कमबैक कर रहे थे साउथ अफ्रीका। यस यस, एक्चुअली उस ग्राउंड पे जब मैं पहुंची थी, इट्स लाइक मैं ग्राउंड पे जाके जब खड़ी हुई तो मिथाली ने मुझे बुलाया स्पेशली एंड स्माइल किया, तो इट्स लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वी क्लिक अ पिक्चर दैट डे बिकॉज वो मैच हुआ नहीं, मतलब वॉश आउट के बाद हमने पिक्चर क्लिक किया फॉर मेमोरी। वो पिक्चर आज भी है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि इससे अमेजिंग फीलिंग नहीं हो सकता। बस उसमें झूलन मिसिंग थी, कक्स उसमें मिसिंग थे, बट मैं और मिथाली, तृप्ति मैम, हम तीनों वहां पे थे उस टाइम पे। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में या इन जनरल किसी के भी लाइफ में? मेंटल स्टेट बहुत जरूरी होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी फोकस, आपकी आपका आगे का फ्यूचर आप कैसे देखते हो, वो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप एक मेंटल स्टेबिलिटी पे रहो और आप एक दूसरे मतलब किसी से बात करो। जरूरी नहीं है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही हो, आपका जो भी पेरेंट्स हो या आपकी फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप बात करो। जितना आप बात करोगे आप बाहर आओगे कि क्या जरूरी है। आप बात नहीं करोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट्स नॉट कि जस्ट अ क्रिकेटर, एनी स्पोर्ट्स पर्सन और एनी, चाहे वो एक नॉर्मल लाइफ में बंदा चल रहा हो, उनके लिए भी बहुत जरूरत है। जैसे अभी हुआ सक्सेसफुल एक्टर, वो कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। करेक्ट। तो ये चीजें बहुत बहुत मायने रखता है, मेंटल स्टेट क्या है क्या नहीं है। आपको फाइट करना है, आप गिव अप नहीं कर सकते एवरी टाइम। आई थिंक एवरी मोमेंट आपको लाइफ एक सिचुएशन पे डालता ही है जो जिस पे आपको फाइट बैक करना है। फाइट बैक करोगे तभी जब आप गिव अप नहीं करोगे। आई थिंक मैं खुद मानती हूँ कि डोंट गिव अप, ये मेरा खुद के लिए है। बिलीव करो, आप जो भी कर रहे हो वो बिलीव करो कि आप क्या करना चाह रहे हो और करो उसको, क्योंकि रिजल्ट आपको भी नहीं पता, जब तक चीजें करोगे नहीं रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या रीजन है मैम कि आजकल ये काफी ज्यादा न्यूज में है या लोग इसके बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये पहले भी था, पहले भी लोग स्ट्रेस लेते थे, पहले भी डिप्रेशन होता था, या फिर आप हो ऐसा हो गया है कि आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं क्रिकेटर्स को? या एक्सपेक्टेशन देखिए, जो चीज आज सचिन से भी एक्सपेक्टेशन था, आज विराट कोहली से कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, धोनी से है, धोनी के लम्बा के लिए कितना कुछ बोला भी जाता है, पॉजिटिव भी बोला जा रहा है, नेगेटिव भी बोला जा रहा है। बट अगर वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं रहेंगे या वो काम नहीं रहेंगे, कूल नहीं रहेंगे, तो वो अपने डिसीजंस कैसे लेंगे या वो खेलेंगे कैसे? जब विराट कोहली ग्राउंड पे उतरता है तब लाखों लाखों होते हैं देखने के लिए, उसको चेयर करते हैं, हर चीज होते हैं। अगर वो उसका ध्यान उस पे जाएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए शायद वो हर चीज ब्लैंक हो जाता है, वो सोचता है कि मैं सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये चीजें मुझे लगता है जब आपके लाइफ में, देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है, हर किसी के, आप उससे बाहर कैसे आते हैं वो आपके ऊपर, आप कितना स्ट्रॉन्ग है मेंटली। वो चीजें आई थिंक, मुझे लगता है आज के जो यंगस्टर्स है सबके लिए वो चीजें बहुत मायने होना चाहिए कि मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है, मुझे लोगों के बारे में नहीं सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। परफॉर्म करोगे तो लोग बोलेंगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ये पार्ट है आपके लाइफ का। Right. ये पार्ट आप जब तक क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो वो आपके लाइफ में रहेगा। करेक्ट। अच्छा करोगे तो अच्छा सुनोगे, बुरा करोगे तो बुरा सुनोगे, तो वो लेना सीखना पड़ेगा आपको। दिस इज लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग। आपके बारे में मैम मैंने काफी पढ़ा है, कुछ क्रिकेटर्स से सुना भी है, और
आई एम श्योर आज आपसे बात करने के बाद पता चल गया कि काफी आप फोकस्ड हो, नॉट जस्ट विद क्रिकेट बट सारे पर्सपेक्टिव में, लाइफ पर्सपेक्टिव में, बिकॉज आपने देखा भी है शायद वो चीज, यू हैव बीन थ्रू दोस। हां, मुझे मेरा ये चीज है, हर चीज दिखाया है मुझे लाइफ में, उस लाइफ ने मुझे दिखाया है और उसी चीज से मैंने सीखा भी है, तो आई थिंक उसी चीज से मुझे आज पता है, इसलिए शायद आज मैं अपने कोई भी, चाहे मेरे साथ के हो या मेरे जूनियर्स हो, कोई अगर साथ करना है तो मैं बोलती हूँ कि पहले आप डिसाइड करो आप करना क्या चाहते हो, ये नहीं कि आज मैंने बैटिंग किया तो मुझे कल बॉलिंग डालना है। Amazing, ma'am. You're definitely a role model for so many young girls, or also role model for lot of senior cricketers. Ki hopes mat chodo. Aap comeback phir bhi kar sakte ho. Ek final question, ma'am. Next cheez kya hai aapke liye? Aapka what is the ultimate goal now? Ultimate goal. Goal yehi hai ki abhi ya 2-3 saal agar jitna mera fitness ke upar hai ki mera agar fitness rehta hai to I will play for Bengal. एंड मैं ट्राई करूंगी नेशनल साइड में फिर से आने का, द वन सबके सामने, एंड मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर पाऊँ, मैं पीछे से अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती। ओके, एंड उसके बाद मेरा इच्छा है कि मैं कोचिंग में आऊँ। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, वी विश यू ऑल द बेस्ट मैम। हम चाहते हैं आप कम बैक करो एंड द वर्ल्ड सीज अनदर रोमेली धर, द सीनियर मोस्ट रोमेली धर, to sort of contribute to the Indian side, and of course ek baar ye hone ke baad aap jab bhi aap coaching mein aayenge, I'm sure wahan se aur naye young talents ko aap groom karenge. Lovely talking to you, ma'am. Thank you so much for giving time. Thank you so much. So that was Rumeli Dhar and an inspiring cricket story. I hope you enjoyed it, and if you did, why not share it with your friends or with someone you feel would benefit out of this. Next week we will be back with another exciting story. Till then, you take care.